का मुझसे यही क्वेश्चन था कि आप भी मतलब एक मुस्लिम थी और आपकी फैमिली आपके ससुराल वाले कैसे माने। ये बैठे हैं यहाँ, ये चल रहा है हमारा इफ्तार। और अब गए हम यहाँ पर कुछ फ्रूट्स लेने के लिए। हमारे घर के पास में ही शॉप है तो वहाँ चले जाते हैं। ऐसे मार्केट कभी ऐसे अचानक से सब्ज़ी फ्रूट्स ख़त्म हो जाते हैं तो पास से ही ले सकते हैं, तो वहीं से। और ये है चंदलिया, ये मोस्टली राजस्थान में ही मिलता है। तो ये चंदलिया मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था तो मैं आज वही लेकर आई थी। मैं कहा चलो आज न्यू सब्ज़ी ट्राई करते हैं। तो ये मैंने कुछ फ्रूट्स, अभी फ्रूट्स वगैरह तो लेने जाना ही पड़ता है क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि हम 10-15 दिन के लिए इकट्ठे साथ में लाकर रख लें, तो 1-2 दिन में लेकर आना ही पड़ता है। और साथ में मैंने ये कोकोनट भी देखा तो मैंने सोचा ये भी देख लेते हैं, अगर सही रहा तो एक कोकोनट भी ले लिया मैंने यहाँ से। ये कटवा भी लिया है और अब पहुँच गई हूँ मैं घर पर। ये सब सब्ज़ी ले ली है, ये चंदलिया धोकर साफ़ कर लिया है। और इसके लिए जो सब्ज़ी में मतलब प्याज डलती है थोड़ी सी मोटी ही डलती है, एकदम पतली बारीक नहीं डालते हैं, तो इसका जो टेस्ट आता है ना खाने में बहुत अच्छा। और साथ में मैंने लहसुन को मैश कर लिया है। और ये देखिए इस तरह से इसको पकाना है, इसको ना तेल में मतलब एकदम ज़्यादा नहीं पकाना है, ऐसे नहीं पकाते, तो इस तरह से देखिए प्याज ऊपर दिखनी चाहिए। तो मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं, प्याज डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, वैसे पकती रहेगी और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाल। सो हाय गाइस, वेलकम बैक नाजी अभिषेक ब्लॉग। तो अब हम आ चुके हैं किचन में हमेशा की तरह और अभी बज गए हैं 5। आजकल रमज़ान में 5 बजे के समथिंग हमारा खाना बनना स्टार्ट हो जाता है, वैसे तो हम लोग लेट बनाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि पनीर भी हमने घर पर ही बनाया है। ये देखिए हमारा घर पर बना हुआ पनीर है, क्योंकि दूध फट चुका था हमारा कल रात में, तो फिर दूध ख़राब हो गया, फट गया, तो हमने सोचा इसका पनीर घर पर बना लेते हैं और सब्जी इसका काम हो जाएगा। तो अभी हम इसी की सब्जी बनाने वाले हैं, मटर घर पर रखी है तो मटर पनीर की सब्जी, और बाकी देखते हैं क्या बनाने वाले हैं। मीठे वगैरह में ज्यादा कुछ अभी बनाने का नहीं है क्योंकि अभी काफी दिनों से मिठाई खा रहे हैं, होली पे बनाए थे ना तो वो भी हमारा सब रखा हुआ है। मैं तो रोजे से रहती हूँ और ये भी कम ही खाते हैं, और आज मेरे साथ इतना बड़ा वो हुआ है, आज 15-16 रोजे हो गए। मैंने सोचा इस बार ऐसे कैसे नहीं हुआ, आज मेरा बिना सहरी का रोजा है। उठ गई थी टाइम पर, हमेशा बोलती हूँ मैं कि मुझे उठने में जोर आता है, आज मैं उठ गई टाइम पर और अलार्म बंद कर दी। मैंने कहा मैं जाग गई हूँ, अब अलार्म ऑन फालतू होता रहेगा तो क्या करूँ, बंद कर देती हूँ, और मेरी नींद लग गई। और ये भी क्या है, थके हुए थे 1-2 दिन से, क्या है आप भी सो गए थे ना बाद में? 4 बार मैंने उठाया, इन्होंने मुझे 4 बार उठाया, पर मैं तो हाँ हाँ करते और मुझे तो होश भी नहीं रहा, टाइम पूरा निकल चुका। फिर इनकी नींद खुली, इन्होंने देखा 5:15 बजे, जब तो टाइम ही निकल गया था, उनको पता है टाइम निकल जाता है, कितने बजे 5:15 बजे, हाँ तो टाइम निकल जाता है। वो मुझे जब भी नहीं, इन्होंने बोल दिया, मैं आज इतनी गहरी नींद में थी, तो आज मेरा बिना सहरी का रोजा है। रात को 10-11 बजे कुछ खाया था, पानी पिया था मैंने, उसके बाद अभी तक पानी तक नहीं गया मेरे गले में। तो अब बाकी की बातें बाद में करेंगे, बातें करने खड़े हो जाते हैं तो फिर टाइम निकल जाता है, 5:15 बज चुके हैं। तो मैं भी खाना बनाने स्टार्ट करती हूँ आपके साथ, हम सब कुछ धीरे धीरे शेयर करेंगे, ठीक है। हाँ हो रहा है पनीर फ्राई, सब्जी बन गई है कुछ हमारी इस तरह से। ये वीडियो में सब्जी का कलर एकदम येलो आता है, जबकि इसमें पता नहीं क्यों लाइट ऊपर जलती है ना इसलिए। आज मैंने मोस्टली सारे काम कर लिए हैं, आज बर्तन भी सब साफ करके रख दिए हैं, जितने बर्तन हुए थे, ताकि रात में ज़्यादा बर्तन ना हो, फिर भी आधे से ज़्यादा मैंने मेरा काम कम कर दिया। और सारा खाना वगैरह सब बना लिया है और अब लास्ट बना रही हूँ आज आलू की पकौड़ियाँ, तो चलो वो दिखाते हैं आपको। ये है पकौड़ियाँ, स्टार्ट हो चुकी है बनना। क्या इंतजार कर रहे हैं अब इफ्तार का, इस वक्त कुछ और काम तो रहता नहीं है, बैठे हैं। आज मेरी थोड़ी सी उंगली भी जल गई वो फ्राई कर रही थी ना, हल्का सा तेल लग गया। हमारे यहाँ पर इफ्तार बहुत लेट होता है, अब कल हुआ था 6:55 पर हुआ था, तो आज उठने पर ही है। आज के हमारी इफ्तारी रेडी हो चुकी है, साथ में है ये श्रीखंड, और ये है नींबू पानी, ये है आलू के पकौड़े, ये है बनाना, ये है हमारी गुजिया, ये है फ्रूट्स।
ये बैठे हैं यहाँ, ये चल रहा है हमारा इफ्तार। सो गाइस ये मेरी सहरी उठ गई हूँ मैं सहरी के लिए, और दही लिया है मैंने, रोटी ली है, सिंपल सहरी करूँगी मैं। अब गाइस अभी देखिए सहरी के बाद अब मैं इस वक्त सूट कर रही हूँ और ये रेडी हो रहे हैं जॉब पर जाने के लिए, तो अब बस इनका टाइम हो गया है जाने के लिए, फिर मैं घर के कुछ काम वगैरह कर लूँगी। टाइम देख सकते हैं आप, 10:15 बज गए हैं, ये निकल रहे हैं। ये मेरी आज की सहरी दही रोटी और एक ही बनाना, तो मैं ये सहरी करने वाली हूँ। मुझे कुछ गर्ल्स के मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर कि उनको यही सबसे बड़ी मतलब एक हैरानी वाली बात होती है कि मैं रमज़ान में मतलब जब से मेरी शादी हुई है कि मैं रोज़े अपने कैसे फॉलो कर रही हूँ, कैसे अलाउ किया मेरे ससुराल में। तो ये सब देखिए मैं इसका आंसर यही देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपना एक जो हस्बैंड होता है ना, अपना जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए, अपने लिए समझने वाले होने चाहिए। तो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने देख लिया कि मैं मतलब मैं इस चीज़ को करना चाहती हूँ, मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ, तो उन्होंने मेरी इस चीज़ में सपोर्ट किया। और ऐसा बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो इस चीज़ में सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। तो उन्होंने तो उनका तो मुझे फुल सपोर्ट हमेशा से रहा। तो फिर रही बात ससुराल की, तो ससुराल में भी ऐसा है कि देखिए ये चीज़ मैं कुछ ऐसा गलत तो कर नहीं रही हूँ जो उनको मतलब ऐसा लगे, मैं कुछ ऐसा बेकार काम नहीं कर रही हूँ या कुछ गलत नहीं कर रही, तो जैसे उसमें कोई ऑब्जेक्शन हो, उनको भी पता है, वो सभी जानते हैं कि मैं जिस मजहब से आई हूँ उसमें ये होता है, बचपन से मैंने ये चीज़ देखी है। तो ये चीज़ और कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे इसमें माना जाता है हमारे मजहब में, तो मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो उन्हें भी मतलब ठीक है ये कर रही है कोई बात नहीं, तो उनके लिए भी मेरे ससुराल वालों के लिए भी एक इसमें मतलब उनकी भी बड़ी तारीफ वाली बात है ये, क्योंकि हर किसी में सच में ये हिम्मत नहीं होती ये सब फॉलो करवाएं, ये सब फॉलो करवाने की। तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है अभी तक, 4 साल हो गए हैं शादी को, ऐसा कुछ मैंने फेस नहीं किया है। तो सबसे पहले तो अगर आपकी भी शादी हुई जैसे कुछ गर्ल्स हैं ना जो इंटर रिलीजन मैरिज की है, तो उनका यही क्वेश्चन है मतलब हमारे जो ससुराल वाले हैं वो हमें इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैंने उस टाइम तो उनसे कुछ नहीं कहा, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए अगर वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं तो कुछ उनके भी रीजन्स होंगे, क्योंकि ना अब ये चीज़ ऐसी है जैसे हर कोई अदर रिलीजन का एक मैटर आ जाता है इसमें, तो इसमें इतनी आप रखना चाहती हैं वो अच्छी बात है, बट आप फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो आप अपने सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हस्बैंड सपोर्टिव होना चाहिए, अगर आपके हस्बैंड ही इस चीज़ में कुछ नहीं बोल रहे हैं तो फिर फैमिली ससुराल वाले ये सब बाद में आते हैं, तो पहले हस्बैंड से ही अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। तो मुझे इन चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि शादी से पहले ही मैंने बोल दिया था कि ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, और एक वो रखने की अपने आप में भी होनी चाहिए। तो मुझ में इतनी वो है कि नहीं ये तो मैं कभी मतलब सभी को बड़ी हैरानी होती है कि मतलब मैं एक मुस्लिम लड़की जो शादी के बाद इस फैमिली की मेम्बर हूँ, तो एक हिंदू ससुराल में एक मुस्लिम बहू को मतलब ये सब चीज़ें फॉलो करने देते हैं, तो ये बहुत मतलब बड़ी बात है। तो मुझे खुद जब लोग इतनी हैरानी से ये सब मुझसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो मुझे पहले तो इतनी नहीं लगती थी, जब मैंने आप लोगों के साथ ये सब रिवील नहीं किया था सोशल मीडिया पर, तो मैंने कहा हाँ चलो फॉलो करवाते हैं, बट अब जब लोग इतने तरह के आते हैं और बोलते हैं तो ऐसे लगता है हाँ ये सच में बहुत बड़ी बात है और तारीफ वाली बात है। कि और अच्छे से ऐसा भी नहीं कि मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, कि ऐसा नहीं कि ठीक है तू कर रही है, उनको सबको ये रहता है कि कोई इसको कमी ना रह जाए, अच्छे से इसका सब हो रहा है, ध्यान रखते हैं कि हम तुझे ये ले आए वो ले आए। मेरा हस्बैंड मेरा हर टाइम सोचते हैं कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक हस्बैंड सबसे, मैं तो यही कहूँगी सबसे पहले हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए आपके। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत डर लगता था कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, चलो मैं कहूँ मेरा हस्बैंड तो कुछ नहीं, बस फैमिली का देखो ससुराल में डर लगता है कभी कुछ हो गया, मैं इतनी शहरी में जल्दी उठा जाता है तो कुछ प्रॉब्लम हुई किसी को, तो ऐसा मेरे रखने से कोई किसी को या किसी परिवार वालों में और भी जो लोग हैं उनको कभी कोई दिक्कत हुई, किसी ने कुछ बोला, तो ऐसी बहुत सी बातें मेरे दिमाग में भी आती थी, चलती थी। मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर तो बोलते थे कि मैं हूँ ना
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रोजे ही तो रख रही हो, क्या कर रही है। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। किसी भी लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता है ये सब चीज़ें। मुझे भी अपने आप में थोड़ा सा डर लगता था पहले, पर अब कुछ नहीं लगता है। अब मैं जब से मैंने यूट्यूब पर हूँ, सभी लोगों को सब कुछ पता चल गया है, तो अब कोई डर नहीं लगता है। तभी शायद किसी ने सही कहा है कि अपने जो दिल की बातें होती हैं छुपाने की बजाय सबको बता देनी चाहिए। मतलब अपनी जो लाइफ में चल रहा है वो सबके साथ शेयर करना चाहिए, तभी शायद अब खुल गए जी पाते हैं। तो यही मेरे साथ हुआ। जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, मैंने सब लोगों के साथ अपनी लाइफ और ये सब शेयर की, तो बहुत अच्छा लगता है। तो पहले मैं सोचती रहती थी किसी को अगर ये पता चल गया, वो पता चल गया, तो कोई क्या कहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो। बट अब मैं अच्छे फ्री बिंदास रहती हूँ, अच्छे से रहती हूँ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और आज मैं अभी इस वक्त अकेले ही बना रही हूँ, क्योंकि आपने देखा वो तो जॉब पर चले गए हैं। तो मैंने सोचा मैं ही इसे कंप्लीट कर देती हूँ वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वालों के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता है। तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय।